1973 में सेना के जनरल और राजकुमार मोहम्मद दाऊद खान के नेतृत्व में तख्ता पलट द्वारा राजशाही को समाप्त किया गया। दाऊद खान के मार्क्सवाद से जुड़ाव और सैन्य तख्ता पलट में अफगानिस्तान की मार्क्सवादी विचारधारा वाली PDPA यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन के चलते इस तख्ता पलट को साम्यवादी अधिग्रहण के रूप में देखा गया। लेकिन दाऊद खान ने राज्य प्रमुख बनते ही अफगानिस्तान की तटस्थता की नीति को जारी रखने का संकल्प लिया। इस नई सरकार को जल्द ही सोवियत संघ और भारत ने मान्यता दे दी। उसने जनवरी 1977 में एक दलीय राष्ट्रपति राज्य बनाने वाले नए संविधान को मंजूरी भी दी और अमेरिका और पाकिस्तान से संपर्क बढ़ाना शुरू किया, जिससे सोवियत संघ और PDPA कम्युनिस्टों के साथ उसके संबंध खराब होते गए और 1978 में सौर क्रांति के दौरान मोहम्मद दाऊद खान की सरकार को उखाड़ फेंका और उसे मार डाला।